एक राजा हाथी पर बैठ करके आता था और हाथी को तंग कर रहा था। मतलब कबीर और रविदास वहां पे चित्रकूट में परिक्रमा कर लेंगे और वहां पे राजा आ रहा है हाथी की परिक्रमा और स्थान की। तो हाथी धूल उड़ा रही थी तो तुलसीदास सोचा था कि ये हाथी जो है धूल उठा उठा कर उड़ा रही है इसलिए राजा तंग कर रहा है क्या। तो तुलसीदास कहते हैं कि धूल उड़ावत गज फिरे, गज माने हाथी, धूल उड़ावत गज फिरे कहो रहीम के काज। तब रहीम कहते हैं कि जे ही पद रज मुनि पत नीतरी सोई ढूंढत गजराज। मतलब जिसके पद के रज से धूल से अहिल्या कर गई वही वो गजराज वही धूल उड़ा रहा है कि अपने मस्तक पर अपने फेंक रहा है ऊपर फेंक रहा है कि उस धूल का हमारा भी कल्याण हो जाए। धूल उड़ावत गज फिरे कहु रही में कई काज, किस कारण से। हाँ जय बदमुनि पतनी तरी सोई ढूंढत गजरा। ये मैंने एक दिन का प्रश्न है, दूसरी कड़ी में रहीम का उत्तर है। अच्छा अच्छा, तो रहीम से प्रश्न किया और रहीम ने जवाब दिया ऐसा कि रहीम से प्रश्न किया इसने कबीर स्वामी जी ने। हमको लगता कि दोनों बुद्धि में समकक्ष रहे। हाँ कौन कौन, रहीम और गोस्वामी जी। अभी है कि गोस्वामी जी ने एक रामचरित मानस और रामायण लिखा और रहीम जो है वो दोहे लिखे, दोहे के द्वारा सब बात बताए। अच्छा, जैसे बताए ना रहीम मर चुके जो कुछ मांगन जाए और उनते पहले कोई भी जिनमुठ निकसत ना है। मतलब मांगे गए तो मर चुके पहले वो मर गए जो जिसके सामने मांगे गए वो बोलता हमारे तनाए ने हमारे पास तो नहीं है। हाँ हाँ। तो ये सब अरे भैया काका सूरदास अच्छा अच्छा लिखे हैं। सूरदास सूरदास रहीम कबीर मलिक मोहम्मद जायसी मैंने ये सब पे आंख से देख देख करके हाँ जो कुछ भजन कीर्तन किए हैं किए हैं लेकिन सूरदास तो अंधे होकर के लिखे हैं सब उनके सकल स्वरूप का चरित्र का वर्णन हमें लगा था जो कृष्ण की भक्ति रही वही से ज्ञान रहा। हाँ कृष्ण की भक्ति की वजह से इनका सब ज्ञान रहा। सूरदास के भजन में भी बहुत गुड़ गुड़ भजन है। हाँ उसका मतलब कुछ ना समझ ना आया हो। अब ओकर मतलब अगर भक्ति से समझे समझ में आए अगर तर्क लगोगे तर्क से नहीं आए, तर्क बुद्धि से समझ में आया।